तो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी 5:05 हो रहे हैं, वैसे मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, 15 मिनट में मुझे निकलना है। तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेंसकार्ट के ऊपर, जो लेंसकार्ट स्टोर में एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी निकलती है उसके ऊपर। काफ़ी सारे मतलब कमेंट आए हैं मुझे कि इसके ऊपर वीडियो बना दो या और भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं मुझसे, तो मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात, लेंसकार्ट स्टोर में जॉब पाने के लिए भाई रेफरेंस होना मैंडेटरी है, क्योंकि जहाँ तक है बिना रेफरेंस के होता नहीं है। अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो रेफरेंस के थ्रू ही हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी प्रीति अग्रवाल, उसने मुझे रेफरेंस दिया, तो मैं इंटरव्यू देने गया, उसके बाद ही जाके मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मैं अपना बताता हूँ, एक दिन मुझे कॉल आई मेरी फ्रेंड की, बोलती कि एक वैकेंसी निकली है लेंसकार्ट में एज ए ग्रीटिंग के लिए, तो कोई अगर तेरी फ्रेंड हो तो उसको बता दे, मैं उसको लगवा देती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, तो उसका तो हो नहीं पाया क्योंकि वो अपने होम टाउन थी। फिर मैंने उससे पूछा कि और भी एक स्टोर में वैकेंसी है, तो उसने बोला हाँ है। फिर मैंने बोला कि तो मेरा करवा दे यार, उसने बोला कि ग्रेजुएशन चाहिए। मैंने बोला मेरा ग्रेजुएशन ऑलरेडी है, तो उसने बोला ठीक है अपना रिज्यूमे भेज, मैं अपनी HR को भेजती हूँ। तो मैंने उसको अपना रिज्यूमे भेजा, फिर उसने अपनी HR को भेजा, फिर उसने मुझे सजेस्ट किया, तो उसने मुझे बताया कि तेरा इंटरव्यू होगा, तुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो फिर मैंने वेट किया, तो फिर मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई, उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ। फिर मुझे बोला गया कि आपको इंटरव्यू के लिए सेक्टर 14 में जाना है। तो फिर मैं सेक्टर 14 में गया, और जिस दिन दो तारीख को मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, और एक तारीख को मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, और 2 तारीख को मेरा इंटरव्यू था नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए। और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया, तो मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी जो मेरा इंटरव्यू लेने वाली थी शिखा मैम, उनको ऑलरेडी कॉल करके बोल दिया था कि मेरे एक रेफरेंस में लड़का आ रहा है, उसका करवा देना। तो मैं वहाँ पे गया और सच बोले तो मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं। 1 तारीख को मेरी बात हुई है, 2 तारीख को मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, ऑलरेडी मैं लेट हो गया था। तो मैं लेंसकार्ट स्टोर पहुँचा, मैं वहाँ पर थोड़ा 10-15 मिनट बैठा रहा। तो मैंने उसी टाइम में लेंसकार्ट के बारे में ऑल अबाउट लेंसकार्ट डाल के मैंने गूगल क्रोम से इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद फिर मैं नीचे गया -1 में इंटरव्यू के लिए कैबिन में, तो मैम मिलती हैं मुझे, वो बोलती हैं डायरेक्ट कि आपको किसने भेजा है। मैंने बोला कि मैम मेरी एक फ्रेंड है प्रीति अग्रवाल, उसने भेजा है, एक दोस्त और है वो भी सेक्टर 46 में जॉब करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैम ने मेरा रिज्यूमे देखा, रिज्यूमे में मतलब मेरा पहले इंट्रोडक्शन नहीं लिया, पहले वो मेरा एक्सपीरियंस देख रही थी कि मैंने कहाँ कहाँ जॉब की। उन्होंने बोला कि आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बोला यस मैम। उन्होंने बोला सेल्स में कितने टाइम जॉब की है। मैंने बोला मैम 1 ईयर। मैंने बोला 1.5 ईयर्स मैंने सेल्स में जॉब की है, और 1 ईयर मैंने कस्टमर सपोर्ट में जॉब की है। उन्होंने बोला ओके। फिर वो जैसे कि मैंने आईसन में जॉब की थी देहरादून में कस्टमर सर्विस, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप क्या काम करते थे। तो मैंने उनको बताया कि मैम यहाँ पर कॉल्स आती थी, कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करना होता था। फिर उन्होंने बोला कि होम स्टोर में क्या करते थे। मैंने बोला मैम होम स्टोर एक एज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट होता है, उस पर प्रोडक्ट सेल करना होता था। मतलब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को देखता है, विजिट करता है, तो उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, फिर हम उसको कॉल करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है प्रोडक्ट परचेज़ करने में भाई। तो मैंने बोला कि मैम मेरा वहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड मैं दोनों संभालता था। उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने व्हीलसाय के बारे में पूछा। मैंने बोला मैम व्हीलसाय में जो ये ट्रक वगैरह होते हैं, 4 व्हीकल होती हैं, उनमें GPS लगा होता है, उसका रिचार्ज करना होता है GPS का, कस्टमर को कॉल करके ऑनर्स को। उन्होंने बोला ओके। फिर आता है वो बोलते हैं कि आप लेंसकार्ट के बारे में क्या जानते हैं। मैंने बोला कि मैम लेंसकार्ट एक सनग्लासेस बनाती है, और इसके कोफाउंडर हैं पीयूष बंसल। तो उन्होंने बोला कि लेंसकार्ट सनग्लासेस नहीं आईवीयर बनाती है। मैंने बोला हाँ मैम, और सच बोलूँ तो मुझे पता भी नहीं था उस टाइम तक सनग्लासेस और आईवीयर का डिफरेंस। मैंने बोला ओके मैम जी। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई लेंसकार्ट में एज ए स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या क्या पोस्ट होती है। तो मैंने बस थोड़ा सा बात घुमा के बोला कि मैम मैं अपने आप को 5 साल में एज ए एक ब्रांच मैनेजर देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ओके, आप एक ब्रांच संभालना चाहते हो। मैंने बोला यस मैम। उसके बाद उन्होंने बोला कि लेंसकार्ट और क्या क्या प्रोडक्ट सेल करती है। मैंने बोला कि मैम आईवीआर ही मेन सेल करती है। और उन्होंने बोला कि अगर कोई कस्टमर हमारी स्टोर पे आता है और उसको आईवीआर चाहिए हैं, तो क्या उसका जो आई टेस्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या उसका चार्जेस लगेगा।
मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, बट मैंने अपने आप में माइंड में मतलब सोचा कि अगर एक कस्टमर आ रहा है और वो चाहे सन आई वियर देखने ही आ रहा है तो वो आई टेस्ट तो कराना कंपलसरी है, उसके हिसाब से तभी उसका आई वियर बनता है लेंसकार्ट का। सो फिर मैंने सोचा कि अगर वो आ रहा है तो वो फ्री चार्ज तो देगा नहीं अपना, तो मैंने बोला मैम इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है आई वियर का, आँखों का। तो उन्होंने बोला आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी, मैंने बोला मैम मैंने उनको बता दी जितनी मेरी थी। फिर उन्होंने मुझे अपना लेंस कार्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया कि लेंस कार्ट ये प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पे मतलब इतना टाइम हो गया है, और क्या क्या बताया था कि जो आई टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और फिर उन्होंने सैलरी के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे पूछा सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, मैंने बोला मैम मेरी इतनी है। तो फिर उन्होंने मुझे सैलरी बताई कि आपकी इन हैंड इतनी रहेगी और CTC आपको इतनी मिलेगी। फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 10 तारीख से होगी और इसके लिए आपको मेल आ जाएगी और HR की कॉल आएगी, आपको सैलरी वाली के बारे में भी और अच्छे से बता देंगे आपको। मैं तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन में था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं है, मुझे HR की कॉल आएगी नहीं आएगी। तो फिर कुछ दिन बाद, मुझे 2 4 दिन बाद, मैं ऑफिस में था यहीं पर, मुझे कॉल आती है HR की लेंसकार्ट से, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं। तो वो बोलती है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो, आपकी ट्रेनिंग इस तारीख से है और आपको वहाँ विजिट करना है, आपको एड्रेस वगैरह शेयर कर दिया जाएगा मेल पे और व्हाट्सएप पे भी। बोला ओके मैम, और मैंने सैलरी पूछा उनसे, सैलरी बता दी। फिर ट्रेनिंग की उन्होंने सैलरी बता दी कि ट्रेनिंग आपकी इतनी दिन की होगी, सैलरी आपको इतनी मिलेगी। वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे आपका सिलेक्शन होगा आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मुझे लेंस कार्ड की तरफ से मेल आनी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें टास्क थे जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, आपका मतलब आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, मतलब वैक्सीन की दोनों डोज का होना, और ग्रेजुएशन मैंडेटरी है स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप लेंस कार्ड में कॉलिंग प्रोसेस में जा रहे हो, कस्टमर सपोर्ट में या सेल्स में, तो उसमें 12th पास भी चल जाता है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर गए हैं तो उन्होंने मुझे बताया है ऑलरेडी, तो आई थिंक मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो भाई मेन है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पहली बात तो तुम्हें देखो, सबसे पहले बात वैकेंसी जो निकलती है वो दिवाली के टाइम निकलती है लेंसकार्ट में, क्योंकि उस टाइम काफ़ी एग्जीक्यूटिव छोड़ के जाते हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। अभी भी हायरिंग चल रही है। मेन जो है भाई, तुम्हें अगर लेंसकार्ट स्टोर में जॉब चाहिए तो तुम्हें रेफरेंस चाहिए ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरी फ्रेंड की वजह से, ठीक है, बट मैं वहाँ पे कर नहीं पाया क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री की कुछ दिक्कत चल रही है। एक वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल रखी है, तो वो देख लेना एक बार जाके। सो अभी तक वो दिक्कत दूर नहीं हुई है, और अभी जो डेट हो गई है भाई 4 दिसंबर हो गई है, अक्टूबर से लेके मेरे कॉलेज वाले मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं घर जा नहीं सकता हूँ। घर जाऊँगा तो भाई इतना मेरा वहाँ पे पैसा नहीं लगेगा जितना मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ। तो भाई मेरा तो हुआ नहीं, खैर कोई नहीं, मतलब मेरा मेरा पेंडिंग में है काम। अभी कुछ दिन पहले मुझे लेंसकार्ट की साइड से कॉल आई थी कि आप अपनी लास्ट ईयर की डिग्री मतलब सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया, फिर भी मैंने शेयर कर दी है। बाकी जैसे मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मेरी लास्ट ईयर की रिजल्ट आता है डिग्री BSc 3rd ईयर की, तो मैं सबमिट कर दूंगा, उसके बाद देखता हूँ मुझे ज्वाइन करना है या नहीं। वैसे अभी तो मेरा मूड नहीं है, बाकी देखते हैं आगे। और चलो मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब फ्रेंड नहीं, मेरी एक सब्सक्राइबर है जो पंजाब से है, और उसका मुझे मैसेज आया था। वो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है आई वियर का, वो पहले कर चुकी है अपने होम टाउन में ही पंजाब अमृतसर में। तो मैंने उसका रेफरेंस दिया था, उसका रिज्यूमे मैंने अपनी मैम को शेयर किया था, जिसने मुझे कॉल की थी ज्वाइनिंग के लिए, मतलब डेट बताने के लिए कि आपकी कब से ज्वाइनिंग है, और मेल वेल शेयर की थी, तो मैंने उसको रिज्यूमे शेयर किया था। तो अभी कुछ दिन पहले उसने उसको कॉल की और उसका इंटरव्यू ऑन कॉल हुआ। अभी वो पंजाब में ही है लड़की, तो अभी वहाँ से वो 10 तारीख को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आएगी और 11 से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। 20 दिन की ट्रेनिंग यहाँ होगी, फिर 10 दिन की बोल रहे हैं चंडीगढ़ में होगी, फिर जो अपने होम टाउन में रहती है पंजाब अमृतसर में, वहीं पे जाके उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सैलरी भी उसको ठीक मिल रही है और इंसेंटिव वगैरह भी रहेगा, और सबसे बढ़िया बात है कि अपने होम टाउन के होम टाउन में है। तो भाई चलो कोई नहीं, मेरा ना हुआ, कम से कम किसी का तो हुआ मेरी वजह से, तो ये अच्छी बात है। और एक प्रॉब्लम है, उसने लॉकडाउन में जब कोरोना आया था उसने वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं है, तो आई थिंक अब तक उसका वैक्सीनेशन हो गया, वो तो अच्छी बात है, दोनों डोज, वरना तो भाई प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। हो सकता है उसकी ट्रेनिंग ही ना हो, क्योंकि वैक्सीनेशन कंपलसरी है, वैक्सीनेशन, ग्रेजुएशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, तो ये आपको बना के रखने हैं।
तो भाई लोगों, वैसे मैं सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरा एक्सपीरियंस है लेंसकार्ट के साथ इंटरव्यू का, वो मैं दे चुका हूँ। लेंसकार्ट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप वो देख लेना जाके। और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट मेरी वीडियो पे कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी 100% जाना, तभी मैं आगे भी और वीडियोस बनाता रहूँगा। थोड़ा मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अभी मेरा टाइम हो गया है, 5:23 हो गए हैं ऑलरेडी, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं निकलता हूँ।